Assalamualaikum alaikum students myself adil ashraf lecture computer science students it's our third lecture from your book chapter number one problem solving students as you know in our previous lecture i discussed about problem solving method first step प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन तो स्टूडेंट्स फर्स्ट सेकेंड लेक्चर में हमने देखा कि हम अपनी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किस तरह से करेंगे वो प्रॉब्लम जिसका सोल्यूशन हम फाइंड करना चाह रहे हैं उसकी आइडेंटिफिकेशन सबसे पहले होना बहुत ज़रूरी है तो फर्स्ट uh, जो स्टेप था प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड का उसमें हमने प्रॉब्लम की आइडेंटिफिकेशन की तो स्टूडेंट्स आज हम देखते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड का सेकेंड स्टेप स्पेसिफाई रिक्वायरमेंट्स यानी कि वो कस्टमर वो यूज़र जो आपके पास आ रहा है कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करवाने के लिए तो डेफिनेटली आपको उस कस्टमर से उसकी रिक्वायरमेंट्स पूछना है कि कौन सी ऐसी रिक्वायरमेंट्स हैं जो उस पर्सन को उस यूज़र को उस क्लाइंट को अपने सॉफ्टवेयर में चाहिए तो स्टूडेंट्स बहुत सारे कस्टमर्स ऐसे आते हैं हमारे पास जिनको एक्चुअल में पता ही नहीं होता कि उनकी बेसिक सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट कौन सी हैं तो अगर वो आपको बिल्कुल रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देते हैं गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं क्योंकि उनको तो पता होता ही नहीं है तो अगर वो आपको गलत इन्फॉर्मेशन देंगे तो डेफ़िनेटली आप एक गलत सोलूशन की तरफ जाएंगे जो कि एक अच्छी चीज़ नहीं है तो आपको इस स्टेज में इस स्टेप में प्रॉब्लम सॉल्विंग मैथड के सेकेंड स्टेप में रिक्वायरमेंट को बहुत अच्छे और क्लियर वे में करना है ताकि जब आप अपनी प्रॉब्लम के सोल्यूशन की तरफ या डिज़ाइनिंग की तरफ जाएं तो आपके पास जो पीछे रिक्वायरमेंट गैदरिंग है वो बिल्कुल करेक्ट और एफिशिएंट वे में हुई हो तो स्टूडेंट्स ये जो स्टेज है ये जो स्टेप है प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड का इसमें आप उन रिक्वायरमेंट को उन रिक्वायरमेंट्स की फॉर्मेशन करेंगे उनको बेहतर तरीके में करेंगे यानी कि बहुत सारी ऐसी रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो यूज़र को एक्चुअल में पता नहीं होती लेकिन वो आपको उसकी आउटपुट के बारे में बता रहा होता है तो आप उसको फार्मूलेट करें उसके एग्जैक्ट मीनिंग उसको बताएं और जो जो रिक्वायरमेंट आप अपने यूज़र को या यूज़र आपको बता रहा है, तो आप उसको एक डॉक्यूमेंट की फॉर्म में ले आए यानी कि कल को अगर आप सॉफ़्टवेयर डेवलप करके दे देते हो अपने कस्टमर को अपने यूज़र को तो उस टाइम पे अगर आपने डॉक्यूमेंट बनाया होगा उस पर अपने कस्टमर के सिग्नेचर लिए होंगे तो आपका कस्टमर आपका क्लाइंट आपको ये नहीं कह सकेगा कि मैंने ये तो रिक्वायरमेंट मेरी थी नहीं जो आपने इस सॉफ़्टवेयर में ऐड कर दी है तो पहले यूज़र से उसकी रिक्वायरमेंट पूछें अगर आपको लग रहा है कि वो कस्टमर या वो यूज़र रिक्वा सॉफ़्टवेयर रिक्वायरमेंट के बारे में जानता है तो देन डेफिनेटली आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है कोई समझाने की ज़रूरत नहीं है लेकिन अगर आपको लग रहा है कि वो क्लाइंट वो यूज़र वो आपका कस्टमर बिल्कुल भी उन चीज़ों के बारे में सही से नहीं जानता तो आप उसको सजेशन दें कि ये ये चीज़ें आपके सॉफ्टवेयर में हो सकती हैं इससे आप एडवांटेजेस uh, ले सकते हो बाद में उस चीज को डॉक्यूमेंट की फॉर्म में ले आए जो भी चीजें आप उधर डिस्कस करो अब ये सारी चीजें आपको अब्स्ट्रैक्ट डिस्क्रिप्शन देंगी यानी कि आपके पास एक ऐसा कलेक्टेड फॉर्म में डेटा आ जाएगा एक ऐसी रिक्वायरमेंट आ जाएगी जिसकी बेस के ऊपर आप उस सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन भी कर सकोगे और डिज़ाइनिंग के बाद उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी बहुत सिंपल और क्लियर होगी तो स्पेसिफाई रिक्वायरमेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड का सेकेंड स्टेप है सेकेंड स्टेज है जिसमें आप यूज़र से उसकी डिमांड उसकी रिक्वायरमेंट पूछोगे और उसको राइट डाउन करके उसके ऊपर अपने यूज़र के अपने कस्टमर के सिग्नेचर लोगे तो ये था हमारा थर्ड लेक्चर बिल्कुल सिंपल सा है थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स इनशाला नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड के नेक्स्ट स्टेप्स को नेक्स्ट स्टेज को डिस्कस करेंगे थैंक यू अल्लाह हाफिज़